तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करेंगे तो सावधान में खड़े रहेंगे, और यहां नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? राजस्थान पुलिस में मानसरोवर से एसीपी संजय शर्मा को राज्य सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा सार्वजनिक रूप से लताड़ने के बाद अब विप्र सेना ने मंत्री राठौड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ के मीडिया में दिए हुए बयान के अनुसार एसीपी संजय शर्मा सहित कुछ पुलिसकर्मियों ने भारतीय सेना में सेवारत जवान के साथ मारपीट की। मंत्री के अनुसार ही इस दौरान उन्होंने जवान को नग्न अवस्था में रखा। इसी आरोप के बाद मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने एसीपी संजय शर्मा की जबरदस्त क्लास लगा दी। लेकिन मंत्री द्वारा शर्मा को डांटते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। पहली प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मण समाज के अग्रणी सेवा संगठन विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी ने दी। तिवारी ने बड़े आक्रोशित स्वर में मंत्री को कहा कि आप स्वयं इस तरह के पद पर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच कार्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस अफसर की कद्र करना नहीं जानते। सुनील तिवारी ने आक्रोश जताते हुए संजय शर्मा और राजवर्धन राठौड़ के बीच हुई उक्त घटना का वीडियो वायरल करने के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सत्ता के नशे में चूर मंत्री राठौड़ पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। चलिए आपको बताते हैं क्या घटना घटित हुई है और उस मंत्री ने सोशल मीडिया पर क्या कहा, और इन सब के बाद विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने किस तरह आक्रोश जताया। देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहाँ एक भारतीय सैनिक को जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन दो तीन व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जाँच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का ध्वंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना ये जिम्मेदारी है, और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दी है, देश की सरकार ने दी है, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल, एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिस कर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। DG पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त कराया कि वो कार्रवाई करेंगे। जय श्री राम, जय परशुराम। आज एक वीडियो मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले, प्रदेश के मंत्री जो सेना में रहे हुए हैं, एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, राज्यवर्धन जी राठौड़ द्वारा अपने एक अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को जो कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं जयपुर शहर में, संजय जी शर्मा, उनको सबके सामने जिस तरीके से बात करी जा रही है और उसका एक वीडियो
उन्हीं के साथ कोई आया हुआ व्यक्ति बनाता है और उसे वायरल करता है। तो सबसे पहले तो मैं आगे के विषय के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति पर एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए कि जिसने वीडियो बनाया। दूसरा, मेरा राज्यवर्धन जी से एक प्रश्न है, आप अपने अधिकारी को सरे चौराहे पे इस तरीके से इस भाषा में, जो आपसे उम्र में भी बड़े हैं, कर्तव्य निष्ठा के बारे में, आप उनके बारे में, संजय जी के बारे में किसी से पता करें कि वो कितने अपने काम के प्रति ईमानदार है और जनता का उनके प्रति क्या लगाव है। मेरा उनका कोई विशेष कोई वो नहीं है, मैं तो एक दो धरने प्रदर्शन में वो और हम आमने सामने थे, तो मैंने उस टाइम भी उनके धैर्य को देखा। इसलिए आज मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि राज्यवर्धन जी राठौर जैसे मंत्री के द्वारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए संजय जी शर्मा से और उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जिसने ये वीडियो बनाया जो उनके साथ था। भजनलाल जी से मेरा निवेदन है इस मुद्दे पे तुरंत कार्रवाई करें। जय श्री राम, जय परशुराम। फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे, फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। ऐसी बात तो नहीं है, आपको गाली दी? बिल्कुल मेरे को गाली दी है। उसको गाली दे रहा सिंह जी, वो रिकॉर्डिंग में संजय जी आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप किससे बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप किससे बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई है, इजी कंटेस्टिंग में कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से, मैं यहाँ बहुत धैर्य से कर रहा हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करेंगे तो सावधान में खड़े रहेंगे, और यहां नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? वाई डू यू पुट सच पीपल इन फ्रंट ऑफ मी? मैंने आपको फोन करा था, मेरा बड़े आराम से कुछ दिक्कत नहीं है, आई नो ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट। उसको गाली दी या नहीं दे रहे? कहा हाल में जाए उसको गाली दी नहीं दी? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा सीपी सचिव सिंह दिया तो सीपी सचिव सिंह में अभी सर कहीं पहुंचा था, वो कह रहे कि मैं गलता कर कुछ इंसिडेंट हो गया।